सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बीते 19 नवंबर को भाटिया बस्ती से अपहृत सलीम शेख मामले का उद्भेदन करते हुए आदित्यपुर थाना पुलिस ने कुख्यात अपराधी औरंगजेब खान और शेख पप्पू को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने इनके पास से सफेद रंग की ऑल्टो कार और 2 मोबाइल फोन भी बरामद किए हैं। जानकारी देते हुए आदित्यपुर थाना प्रभारी आलोक कुमार दुबे ने बताया कि अपहृत सलीम शेख राजमिस्त्री का काम करता था। उसके मामा आसिफ शेख की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए प्रोफेशनल तरीके से अनुसंधान के क्रम में पता चला कि सलीम शेख को कांडरा रोड में काम दिलाने के सिलसिले में ले जाया गया था। बाद में उनका मुंह बांधकर बादाम पहाड़ ले जाया गया, जहां से 10 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP के निर्देश पर एक टीम गठित की गई। टीम द्वारा बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से औरंगजेब खान और शेख पप्पू के चंगुल से सलीम शेख को सकुशल बरामद कर लिया गया। लिखित आवेदन के आधार पर हम लोगों ने एक अपहरण का कांड दर्ज किया 23 तारीख को। उनके द्वारा बताया गया कि 19 तारीख को उनके मामा जो जिनका नाम सलीम शेख है वो यहीं पे भाटिया बस्ती में रहकर और बिजनेस मजदूरी का काम करते थे, उनका किसी के द्वारा अपहरण कर लिया गया है और उनके बदले में 10 लाख की फिरौती मांगी जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा प्रोफेशनल तरीके से काम करते हुए अन्य अन्य जगह संभावित जगहों पर छापामारी किया गया तथा पीड़िता को उड़ीसा के बादाम पहाड़ थाना अंतर्गत से गिरफ्तार किया गया और वहां से 2 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अन्य सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध में छापामारी चल रही है और 93 प्रयुक्त कार को जब्त किया गया है। नहीं मिला हुआ कितना फिरौती मांगा था? फिरौती 10 लाख रुपए मांग किया था उसके परिवार वालों से। जिसको गिरफ्तार किया उसका क्या नाम था? गिरफ्तार व्यक्ति का नाम औरंगजेब खान, पिता अहमद अली खान और शेख पप्पू, पिता शेख लाली। क्या पूर्व में भी इतिहास रहा है और ये कदीम खान गैंग के लोग हैं। न्यूज विंग के लिए गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।